हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। पूरे देश में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। विरोध के स्वर बुलंद होते दिखे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में भी, जहां मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने पास हुए नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में जुलूस निकालते हुए मोदी सरकार से बिल को वापस ले जाने की मांग की। जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ और संविधान के खिलाफ जो एक ये खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके विरोध में हम सब रोड पर आ चुके हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो ये असंवैधानिक एक बिल पास किया गया है, इसको वापस लिया गया जाए और हमारा जो अधिकार था, जो हमें संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनके संविधान में अधिकार दिया गया था, वही अधिकार हमें चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए इन सरकार से। क्या ये दोगली राजनीति सरकार ना करे। क्या नुकसान है मुसलमानों का इस बिल से? इस बिल से मुसलमानों का दूसरे दर्जे पे आ गए मुसलमान। इस बिल के बाद बराबर बड़ा क्या नुकसान होगा? इस बिल के बाद मुसलमान दूसरे दर्जे पे आ जाता है, इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है? अगर बिल वापस नहीं करती सरकार तो क्या करेंगे आप? हम इसका विरोध करेंगे और जब तक विरोध करेंगे जब तक ये सरकार इस बिल को वापस नहीं करेगी। क्या नाम है? एनआरसी को लेकर के यहाँ पे काफी लोग हिंदू मुस्लिम काफी लोग हैं एकत्र हुए हैं, जिसका मैसेज है कि ये एक तरह से मुस्लिम समाज को परेशान करने का एक मुद्दा है। आखिर क्यों इनसे इतनी जलन या कटन है कि जो इनको इस तरह से परेशान किया जा रहा है? आखिर आपके मतलब क्या इस देश के नहीं है? सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और खास करके एक बात और कहूंगी, हमारे देश के इस इतिहास में ये दिन लिखा जाएगा कि जब अच्छा खासी एक जाति के नफरत के चक्कर में आबाद हिंदुस्तान बर्बाद। वही मुस्लिम समुदाय द्वारा निकाले गए जुलूस के कारण सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े बंदोबस्त किए गए थे। विरोधकर्ताओं की मांग है कि इस बिल से मुस्लिम समुदाय परेशान हो जाएगा, क्योंकि सरकार 1950 के कागजात मांग रही है, जबकि बहुत से मुस्लिम समुदाय के डॉक्यूमेंट बाढ़ में बह गए हैं और वो लोग 50 से पहले से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन सरकार इस बिल को लागू कर मुस्लिमों को परेशान कर रही है और इस बिल को सरकार वापस ले, नहीं तो इससे भी कड़ा प्रदर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टोरी हाउ न्यूज। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।